झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहां पर हैं? कुछ पता नहीं है, उनकी लोकेशन कहां पर है किसी को इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की गिरफ्तारी के डर से छूमंतर हो गए हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा दावा बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से किया जा रहा है। वो ये दावा कर रहे हैं कि सड़क मार्ग से रांची पहुंचेंगे हेमंत सोरेन। उन्होंने अपने विधायकों को रांची बुलाया है और कल्पना सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। यह बड़ा दावा बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से किया गया है। विधायकों को रांची बुलाया है सोरेन ने, यह दावा भी निशिकांत दुबे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क मार्ग के जरिए रांची पहुंच सकते हैं हेमंत सोरेन। तो यह बड़ा दावा निशिकांत दुबे की तरफ से किया गया है। तो देखिए, आपको बताएं कि हेमंत सोरेन की लोकेशन का कुछ अता पता नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका प्लेन खड़ा है। 27 जनवरी को वो दिल्ली पहुंचे थे। अगले दिन वो वकीलों से मिले, उनसे रायशुमारी की, उनसे बातचीत की, लेकिन उसके बाद से अब तक वो कहां पर हैं ये किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनके पास जेड प्लस सिक्योरिटी है वो अचानक से गायब हो जाते हैं और किसी को उनकी लोकेशन का पता नहीं लगता, ये सबको हैरान करता है। लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि हेमंत सोरेन आखिर हैं तो हैं कहां पर? कहां है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन? हेमंत सोरेन को तलाश रही है ईडी की टीम। क्या झारखंड में होने वाला है खेला? क्या हेमंत सोरेन की होने वाली है गिरफ्तारी? बिहार में सियासी बवंडर अभी थमा ही नहीं था कि पड़ोसी राज्य झारखंड में उथल पुथल मच गई है। सीएम हेमंत सोरेन कहाँ है किसी को भी मालूम नहीं है। उनकी आखिरी लोकेशन दिल्ली बताई गई। हेमंत सोरेन और उनके सुरक्षा अधिकारी के फोन बंद हैं। दिल्ली वो कहाँ हैं किसी को भी नहीं मालूम। वो चार्टर्ड प्लेन से निजी काम के लिए दिल्ली आए थे। प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़ा है, लेकिन हेमंत सोरेन कहाँ गए हैं ये कोई भी बता नहीं पा रहा है। एयरपोर्ट पर भी ईडी की टीम मौजूद है। हेमंत सोरेन को लेकर रांची से लेकर दिल्ली तक जबरदस्त सियासी हलचल है। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीमें तलाश करती रही, लेकिन हेमंत सोरेन ईडी के लिए मिस्ट्री बने रहे। ईडी की टीम ने दिल्ली में हेमंत सोरेन के 3 ठिकानों पर छापेमारी भी की। हेमंत की एक निजी BMW कार को अपने कब्जे में लिया गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक ये कार बेनामी संपत्ति से खरीदी गई थी। पिछले 14-15 घंटे से पता नहीं है हेमंत सोरेन कहाँ हैं और उनके अलग अलग ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। दिल्ली में आपको बता दें 3 ठिकानों पर ये छापेमारी की गई थी। एक ये जो शांति निकेतन में उनका आवास है, झारखंड भवन में भी ईडी की टीम पहुंची थी और मोतीलाल नेहरू मार्ग पर जो उनका घर है वहां पर भी ईडी की टीम पहुंची थी। तो सुबह से ये जानने की कोशिश जरूर की जा रही है कि हेमंत सोरेन इस वक्त कहाँ है। सोरेन की तलाश में ईडी की टीम दिल्ली में कभी शांति निकेतन गई, तो कभी मोतीलाल नेहरू मार्ग पर मौजूद शिबू सोरेन के घर पर गई, तो कभी झारखंड सदन गई, लेकिन उनका कहीं पर भी कोई पता नहीं चल सका। दरअसल कल सोरेन को ईडी के सामने पेश होना था। दोपहर तक ईडी के अधिकारियों ने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। ईडी की टीमें हेमंत के घर पर डेरा डाले हुए हैं। उनके पता नहीं चल जाने तक टीमें उनके ठिकानों पर ही बनी रहेंगी। टीम ने हेमंत सोरेन की कार की तलाश ली। गाड़ी के अंदर से कुछ कागज मिले हैं जिसे ईडी ऑफिसर्स ने अपने कब्जे में लिया। जब अधिकारी गाड़ी की तलाश कर रहे थे तब एबीपी न्यूज ने ईडी अधिकारियों से सवाल किया कि हेमंत सोरेन कहाँ है, क्या सीएम घर के अंदर है, घर में किस किस से सवाल किया गया। लेकिन ईडी के अधिकारी बिना कुछ बोले हेमंत सोरेन के घर के अंदर चले गए। सर, ड्राइवर से पूछताछ में क्या मिला सर? कोई जानकारी मिली सर? कहाँ है हेमंत सोरेन अंदर है क्या सर? ये साफ तौर पे यहाँ पे ये मना कर रहे हैं कि कोई नहीं है। दरअसल हेमंत सोरेन शनिवार यानी कि 27 जनवरी की देर रात अचानक दिल्ली पहुँचे। उन्होंने एक चार्टर्ड फ्लाइट से उड़ान भरी थी। तब बताया गया था कि वो राजनीतिक मुलाकात करने के लिए दिल्ली में है। दिल्ली में वो कानूनी सलाह भी लेंगे। इससे पहले ईडी ने उन्हें 10वां समन भेजा था और 29 से 31 जनवरी के बीच पेश होने के लिए कहा गया था।
अगर वो ईडी के सामने पेश नहीं होते तो एजेंसी उनके आवास पर जाकर पूछताछ करने वाली थी, लेकिन सोमवार 29 जनवरी की सुबह होने से पहले वो आउट ऑफ रीच हो गए। किसी भी मुख्यमंत्री का इस तरह से गायब हो जाना बड़ी बात है, क्योंकि सीएम के किसी भी मूवमेंट का प्रोटोकॉल होता है, सुरक्षा कर्मियों की बड़ी फौज होती है। हेमंत सोरेन को जेड प्लस की सिक्योरिटी मिली है, उनके साथ एनएसजी के 10 कमांडो और 55 जवान 24 घंटे रहते हैं। ऐसे में सीएम का गायब होना कई सवाल खड़े करता है। हेमंत सोरेन के गायब होने की खबर मिलते ही दिल्ली से लेकर रांची तक हड़कंप मच गया। इस बीच सीएम ऑफिस के एक ईमेल से थोड़ी राहत मिली। ये ईमेल ईडी को भेजा गया था, जिसमें लिखा गया था कि सीएम 31 जनवरी को पूछताछ के लिए पेश होंगे। यानी हेमंत सोरेन अपने दफ्तर के संपर्क में थे, लेकिन वो कहाँ है कोई बताने को तैयार नहीं है, लिहाजा उनके सुरक्षा कर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी होने लगी है। If CM is not responding today, he has to respond tomorrow. That no, I am always stressing on one thing. As a true citizen, we must obey to it. The law and order situation is not very satisfactory. That I have expressed this too many times. The action has to be taken. झारखंड की राजधानी रांची में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अगले आदेश तक 14 DSP की तैनाती की गई है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ईडी की कार्रवाई के दौरान वहां हालात बिगड़ सकते हैं, जिसके मद्देनजर सुरक्षा कड़ी की गई है। जहां एक ओर जेएमएम समर्थक और कार्यकर्ता ईडी के समन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और मार्च निकाल रहे हैं, वहीं एबीवीपी ने सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हेमंत सोरेन के गायब होने की खबरों का उनकी पार्टी ने खंडन किया है। बताया गया है कि सीएम कहीं लापता नहीं हुए, बल्कि बीजेपी की तरफ से ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है। व्यक्तिगत काम से माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए, लौट भी आएंगे, और 31 तारीख को तो 1 बजे उनको बुलाया ही गया। जब आप ही ने कहा था कि आप 29 से 31 के बीच में, तो हम तो तैयार है 31 को। स्थान कांके रोड में आवास होगा और समय अपराह्न 1 बजे होगा। लगातार 2-3 दिनों से राजनीतिक परिस्थिति को जिस प्रकार से पेश किया जा रहा है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ। झारखंड में बीजेपी ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया है, क्योंकि इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होंगे और बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी भारी जीत की कोशिशों में लगी हुई है। जहाँ तक झारखंड का विषय है, निश्चित रूप से इसका पॉजिटिव ही प्रभाव पड़ेगा, और आगे आगे देखिए और क्या क्या होता है। दरअसल झारखंड में ये उथल पुथल इस वजह से हो रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की अटकलें चल रही हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार का वो मामला है, जिसके चलते हेमंत सोरेन को अब तक ईडी की तरफ से 10 बार समन भेजा जा चुका है। तो बहुत दिनों से कह रहे हैं, कोई आज तो नहीं कह रहे कि जो संस्थाएं इनका दुरुपयोग भाजपा कर रही है। टाइमिंग देखिए ना, कल सरकार बनी भाजपा की, आज लालू जी को समन कर लिया। जिस तरीके से एक बड़े आदिवासी नेता को, जो अभी तक इकलौता मुख्यमंत्री था, कोशिश हो रही है कि न रहे आदिवासी परिवार का, वो भी सोरेन साहब का बड़ा परिवार, तो ये भाजपा दुरुपयोग करती है। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा पूर्ण बहुमत है, वही सरकार रहेगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस पर बीजेपी शुरू से ही हमलावर है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि हेमंत सोरेन जी ने अपने, यानी झामुमो और कांग्रेस तथा सहयोगी विधायकों को रांची समान तथा बैग के साथ बुलाया है। सूचना अनुसार कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने सूचना दी है कि ईडी की पूछताछ के डर से वो सड़क मार्ग से रांची पहुंचकर अपने अवतरित होने की घोषणा करेंगे। यानी कुल मिलाकर झारखंड को लेकर सियासत जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीएम हेमंत सोरेन आखिर कहां है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।